नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। शुरू करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से, जो प्रयागराज से आ रही है, जहां पर उमेश पाल हत्याकांड के मामले में पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबियों पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। आज प्रशासन ने अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चला दिया। आरोप है कि प्रयागराज के माफिया प्रयागराज में चकिया स्थित इस दो मंजिला इमारत से ही उमेश पाल के मर्डर के जो शूटर हैं वो निकले थे, यानी कि आरोपी यहीं पर रुके थे। घर खाली करने के दौरान हथियार और तलवार इस घर से बरामद हुई। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अतीक अहमद अपनी सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। अतीक अहमद ने फर्जी एनकाउंटर की आशंका जताई है। अतीक अहमद ने यह भी कहा है कि अपनी याचिका में कि कुछ मंत्रियों के बयान से ऐसा लगता है कि उनका फर्जी एनकाउंटर किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी मांग की है कि अगर उन्हें उत्तर प्रदेश भी लाया जाए तो सेंट्रल फोर्सेस की सुरक्षा में उनको उत्तर प्रदेश लेकर आया जाए, ना कि उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ, जिसके ऊपर कई बार ऐसे सवाल उठ चुके हैं, जैसे कि उन्होंने भाई फेक एनकाउंटर के जो सवाल हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर उन्होंने उठाए और कहा है कि उन पर सुरक्षा, अपनी सुरक्षा को लेकर वो आश्वस्त नहीं। अब इस मामले में कन्नौज के भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रत पाठक का एक बयान सुर्खियों में बना हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर अतीक अहमद की भी गाड़ी पलट जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। पहले सुन लीजिए, फिर इसका थोड़ा और आपको परिपेक्ष बताऊंगा। मैंने गाड़ी पलटने की बात नहीं की, मैंने ये कहा है कि ये हमला उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर हमला है, और चूंकि उमेश पाल उत्तर प्रदेश सरकार के की सुरक्षा में था, उत्तर प्रदेश सरकार के सुरक्षाकर्मी उसकी सुरक्षा में लगे हुए थे, उसकी हत्या पुलिस सुरक्षाकर्मियों की हत्या हुई है, उमेश पाल की हत्या हुई है, तो ये हमला उमेश पाल पर नहीं हुआ है, हमला उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर हुआ है। और उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर हमला करने वाला विकास दुबे का क्या अस्त्र हुआ था हम सबको मालूम है, तो इन दुर्दांतों के साथ क्या होगा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे में यदि विकास इसके अतीक की भी गाड़ी पलट जाएगी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो आप सुन रहे थे उनका बयान, कहा कि अगर गाड़ी पलट जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। देखिए, कानून बिल्कुल, ये हत्याकांड बहुत ही ये विभंस हत्याकांड है, इसके जो आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा जो होती है इस देश के अंदर कानून के राज से होती है। पुलिस की गोली से सजा जो मिलने का जो प्रावधान है, हमने कई बार देखा है कि उसमें कैसे ज्यादतियां की जाती हैं। शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि माफिया जो है उनको पूरी तरह से मिट्टी में मिला देंगे, और उस पर कार्रवाई जो है बुलडोजर के एक्शन से शुरू हुई। अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर वो कहती है इसे हाउस में कह रहे हो, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है, क्या सच नहीं कहा? पूरा प्रदेश इस बात को जानता है। माफिया ने कल यह कृत्य किया है, वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है, और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। प्रयागराज से बुलडोजर की जो कार्यवाही चल रही है उसके भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, हमारे सहयोगी नितिन गुप्ता की ये ग्राउंड रिपोर्ट। जफर अहमद का घर जो करीब आगे का हिस्सा गिराया जा चुका था, अभी कुछ देर के लिए बुलडोजर रुका हुआ था। आप देख सकते हैं कि अतीक अहमद के करीबी का घर जो है अवैध निर्माण, जिसे पीडीए ने बताया था, और लगभग करीब आधा हिस्सा आगे का गिराया जा चुका है। 200 वर्ग गज जमीन में बना हुआ दो मंजिला मकान है। जफर अहमद के बारे में और भी जानकारियां सामने आ रही है कि वो बहुत बड़ा फंडिंग करता था अतीक अहमद को, अतीक अहमद का बेहद करीबी था, और जो उमेश पाल हत्या कांड है उस हत्याकांड में जो शूटर्स थे उनके बारे में सुनने में आ रहा है। पुलिस को पूछताछ में पता चला है कि करीब एक दर्जन से ज्यादा शूटर थे जो बैकअप में भी रहे, 6 सामने सीसीटीवी में आए थे, और
जफर का नाम एफआईआर में नहीं है, लेकिन करीब 40 लोगों के नामों की लिस्ट बनी है ऐसी जो उस हत्याकांड से जुड़े हुए थे। जैसे कि सदन में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और मिट्टी में मिला देंगे, तो वही मिट्टी में मिलाने का कार्य यहाँ पर जारी है, बुलडोजर चल रहा है और जफर अहमद का आगे मकान का आगे का हिस्सा गिराया जा चुका है और इस मकान को जब खाली कराया गया तो इसमें से 2 विदेशी पिस्टल्स और तलवार भी मिली थी, क्योंकि मकान गिराने से पहले घर का सामान जो भी है वो पुलिस ने बाहर कराया था। चलिए सीधे इस वक्त मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रत पाठक साहब के पास लिए चलता हूं। कन्नौज से सांसद हैं, डिंपल यादव को उन्होंने चुनाव में हराया था, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आईएनडीटीवी से बात करने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं आपके बयान के बारे में, जो आपने बयान दिया था कि अगर अतीक अहमद की भी गाड़ी पलट जाए तो आपको आश्चर्य नहीं होगा। लोग देख रहे हैं कि ये सीधी सीधी धमकी है, बताया जा रहा है कि एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर करके उत्तर प्रदेश पुलिस अपना काम करना चाहती है, उकसा रहे हैं आप उन्हें। नहीं नहीं, देखो कोई एनकाउंटर फेक नहीं होता है। जो अपराधी, जो माफिया, जो लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, सताते हैं, आतंकित करते हैं, हत्या करते हैं, वो कभी सोचते हैं कि हम जिसकी हत्या कर रहे हैं उसके मरने के बाद उसकी माँ कैसे बिलखेगी, बूढ़ी माँ उसकी? वो सोचता है कभी कि उसकी पत्नी का क्या दर्द होगा, उसके बच्चों को क्या दर्द होगा, उनके बच्चों का क्या भविष्य होगा? कभी नहीं सोचता है। केवल अपने स्वार्थ को लेकर, अपने आतंक का साम्राज्य को स्थापित करने के लिए वो लोगों की हत्या करता है। तो जो जब वो हत्या करता है, यदि उसकी भी जब कहीं ना कहीं यदि एनकाउंटर में हत्या होती है तो इसमें बुराई क्या है? सर क्योंकि आपने कहा कि वो सोचता नहीं है, लेकिन आप भी जानते हैं और आप तो सांसद हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का शपथ लेने के बाद आप सांसद बनते हैं, उसमें बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी किसी तरह का भी अपराधी हो, कानूनी प्रक्रिया जो है उसके तहत ही उसको सजा दी जाती है। अब गाड़ी पलटा के आप कहेंगे कि सरकार जो है वो न्याय दे देगी, तो वो तो शायद न्याय संगत होगा नहीं ना? नहीं नहीं, देखिए आप एक बात देखिए कि जो कुछ भी होता है कानून के दायरे में होता है, और यदि कोई गाड़ी पलटती है तो वो जब भागने की चेष्टा करता है, जब वो वैसे विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो कुल मिलाकर उसकी बुद्धि फिर जाती है, वो भागने का चेष्टा करता है, तो भागने की चेष्टा में गुत्थम गुत्था होता है, उस गुत्थम गुत्था में ड्राइवर के आपाधापी में गाड़ी पलट जाती है, और गाड़ी पलट जाती है जब वो भागता है तो फिर पुलिस क्या करती है, मजबूरी में जब वो पुलिस के ऊपर हमला करता है तो पुलिस को उस हमले का जवाब देना होता है, तो पुलिस से तो कोई नहीं जीत सकता। तो कुल मिलाकर मेरा तो कहने का सिर्फ यही तात्पर्य है कि कम से कम यह आतंकी अपराधी जिन्होंने आतंक का राज कायम किया, आतंक लोगों को आतंकित करके अपना एक साम्राज्य स्थापित किया, अरबों खरबों की संपत्ति बनाई, सत्ता का संरक्षण पाया, और आज ऐसे अपराधी यदि उनको डर लगने लगा है तो यही तो डर हम लोग चाहते हैं कि डर उनके अंदर हो सरकार का, यहाँ की व्यवस्था। जो लोग इस वक्त देख रहे होंगे, दर्शक, वो ये कह रहे होंगे कि सुब्रत पाठक साहब बिल्कुल ऐसे बता रहे हैं जैसे स्क्रिप्ट वही लिख रहे हो, इस पूरे किस तरीके से एनकाउंटर हो जाएगा, ड्राइवर के हाथ से गाड़ी फिसल जाएगी और फिर पुलिस एनकाउंटर कर देगी। नहीं नहीं नहीं, आपने, मैंने ये तो मैंने कर बात कर रहा था मैं विकास दुबे प्रकरण की, तो मैं वो देखो कुल मिलाकर अगर आप एक चीज को आप बताइए, देखो इस यहाँ पर क्या होता है, भगवान ने गीता में कहा है कि जब जब धर्म के ऊपर अधर्म हावी होगा, न्याय के ऊपर अन्याय हावी होगा, और तो उस समय पर धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों के संहार के लिए ईश्वर आएंगे। तो अब ईश्वर आएंगे या ईश्वर किसी को माध्यम बनाएंगे या ईश्वर किसी की बुद्धि फेर देंगे, तो कुल मिलाकर तो ऊपर वाला ही व्यवस्था तो बनाता है ना। मैं तो ऊपर वाले से डिमांड करता हूं कि भगवान करे कि सतीक अहमद जैसे दुर्दांत की भी गाड़ी पलट जाए। आपके ही बयान से आतंकित होकर जो अतीक अहमद हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि बीजेपी के नेता ऐसी बातें कर रहे हैं कि मेरा एनकाउंटर हो जाएगा और गाड़ी पलट जाएगी, सुरक्षा चाहिए मुझे। अगर देखो, अगर कुल मिलाकर जो व्यक्ति अपने आतंक से जो दूसरों को डराता है वो मेरे बयान से डर गया तो ये डर मुझे अच्छा लगता है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, ये जो डर है, ये आपके ऊपर आरोप लगाती हैं विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी पे, जो डर है माफियाओं का, अच्छी बात है, किसी भी प्रदेश में कानून का शासन होना चाहिए, अपराधियों को डरना चाहिए, लेकिन ये डर एक धर्म या एक तबके के ही जो अपराधी हैं उन्हीं में बैठाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि चाहे धनंजय सिंह हो, जिनके ऊपर कई सारे केसेस हैं, बाहुबली नेता हैं, वो
क्योंकि एक विशेष जाति से आते हैं, एक दूसरी जाति से आते हैं, तो चाहे उन पुलिस जब उन्हें ढूंढ रही थी, एब्सकॉन्डिंग उत्तर प्रदेश पुलिस कह रही थी, तो चुनाव से पहले वो क्रिकेट खेलते नजर आते थे। अगर हम बात करें आप ही की पार्टी के जो एमपी हैं, गोंडा से आते हैं विभूषण शरण सिंह साहब, उनके ऊपर अभी भी बड़े गंभीर आरोप लगे, पहले भी आरोप लगे थे, उनको सर कानून का डर नहीं सताता है? देखो आप एक बात को, अगर आप इस तरीके की बात करोगे तो फिर आप ये बताओ कि विकास दुबे का कोई क्रिश्चियन था क्या? विकास दुबे किस धर्म का था? विकास दुबे भी तो इसी धर्म का था। देखो हम लोगों ने कभी अपराध को अपराधी की नजर से देखा है, अपराध को हम लोगों ने जाति की नजर से कभी नहीं देखा। अपराधी अपराधी है, वो चाहे जिस जाति का हो उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। रही बात धनंजय की, तो धनंजय को भारतीय जनता पार्टी से कोई जुड़ाव नहीं है और धनंजय सिंह ने आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई गलत कृत्य नहीं किया है। यदि धनंजय सिंह करेगा तो धनंजय सिंह को भी उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो इसलिए इस बात को कहना कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी या उनके ऊपर जिनके ऊपर जो कोई भी यदि इस प्रकार के कोई मुकदमे हैं भी, तो मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं। मुकदमा तो समाजवादी पार्टी ने मेरे ऊपर भी लिखा दिया था क्योंकि मैं उनकी पत्नी के खिलाफ चुनाव लड़ गया था। कितने गंभीर मुकदमे थे, 120 भी और 395 क्या नाम ताजिया के चंदा की लूट और पता नहीं कौन कौन से मुकदमे लगाए थे। एक भी मुकदमा मैंने वापस नहीं लिया सरकार से, सारे के सारे मुकदमे मेरे कोर्ट के ट्रायल में खत्म हुए। गैंगस्टर जैसा मुकदमा जिसमें कोर्ट ने टिप्पणी तक की कि मेरे ऊपर सारे मुकदमे फर्जी किए गए इसलिए कि मैं समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था। तो ये देखिए ये सब नहीं होता। अब अखिलेश जी कल बयान दे रहे थे कि योगी जी के ऊपर, अब योगी जी के ऊपर किसने मुकदमे लिखा है? योगी जी के ऊपर समाजवादी पार्टी की सरकार में फर्जी मुकदमे लिखाए गए। अब उन्होंने तंज कसा कि मैं योगी जी ने मुकदमे ना वापस किए होते तो मेरे ऊपर किस प्रकार की बात होती। तो जबकि अखिलेश जी को यह समझना चाहिए, पता नहीं मीडिया कहां खोई हुई है, मीडिया को लिखना चाहिए कि एक ईमानदार मुख्यमंत्री के सामने एक भ्रष्ट पूर्व मुख्यमंत्री बैठा हुआ है जिसके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। सर आपने बहुत बढ़िया बात यह कही कि जैसे आपके ऊपर ही मुकदमे करे गए थे, कानून ने अदालत ने आपको उन सब मुकदमों में छोड़ दिया, तो वो सारे समझ में आया कि आपको परेशान करने के लिए मुकदमे किए गए थे और यही लीगल प्रोसेस होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सवाल अब ये उठ रहा है कि चाहे जो प्रयागराज में अभी बुलडोजर का जो एक्शन चल रहा है, ना तो उस व्यक्ति का एफआईआर में कोई नाम है। पुलिस ये बात कह रही है कि इन्होंने संरक्षण दिया था, अभी तक उनके खिलाफ एफआईआर में उनका नाम नहीं लिखा गया लेकिन बुलडोजर चला दिया गया उनके घर के ऊपर। तो अगर सिर्फ एफआईआर पे या शक की बिना पर बुलडोजर चलने लगते तो सर आपका घर भी पहले तोड़ देते अगर बुलडोजर चल रहा होता तब, मुकदमे जब लिखवाए गए थे। तो कानून का प्रक्रिया का तो इंतजार करना पड़ेगा ना सर, कौन आरोपी है कौन नहीं। नहीं तो देखो वो तो वहां की पुलिस तय करेगी, तो पुलिस ने क्यों किया ऐसा, वो तो वहां की पुलिस से जवाब मांगिए आप। तो कुल मिलाकर रही बात ये, अगर ये बुलडोजर चल रहा है तो इस बुलडोजर के पीछे तो अखिलेश यादव ही दोषी है ना। आपको याद होगा सन 2005 में वो प्रयाग की घटना, जो राजू पाल जो कि निर्वाचित विधायक था, जनता के मत से चुना हुआ विधायक था, उसको जिस प्रकार से प्रयाग की सड़कों के ऊपर दौड़ा दौड़ा कर जिस प्रकार से उसकी निर्मम हत्या करी गई थी, उसकी हत्या करने वाला कौन था? समाजवादी पार्टी का सांसद अतीक अहमद। सरकार किसकी थी? समाजवादी पार्टी की। मुख्यमंत्री कौन था? समाजवादी पार्टी का। तो उसके बाद उसी समय यदि हिसाब किताब कर दिया होता तो शायद आज बुलडोजर चलाने की आवश्यकता नहीं होती। ये एक, मैं इससे पहले भी कुछ एक्टिविस्ट हैं उनके घरों पर बुलडोजर चले थे, तो उसमें मैं ये एक टिप्पणी देख रहा था कोर्ट की आई थी बुलडोजर को लेकर ही, जिसमें कहा गया था कि न्याय संगत नहीं है और सरकार को पूरी तरीके से जांच के बाद इस तरीके का एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि किसी का घर अगर टूट जाता है तो उसको बनने के में बहुत समय लगता है। हमने एक घटना देखी बुलडोजर चलने की कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में, जहां एक माँ और बेटी जल गए, उसमें काफी उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद सरकार की ओर पे बहुत दबाव पड़ा, सरकार ने भी कहा इसकी जांच होगी। तो आपको लगता है कि ये बुलडोजर का जो एक्शन है ये सोच समझ के लिया जाना चाहिए? देखो बुलडोजर महाराज जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि ये बुलडोजर ये जो है अपराधी माफियाओं के खिलाफ चलेगा और इसके अपराधी और माफियाओं के ऊपर बुलडोजर का प्रयोग होना ही चाहिए, होता रहेगा, रुकेगा नहीं। पर ये कौन तय करेगा सर कौन अपराधी माफिया है? तो कोर्ट तय करेंगे ना सर, पुलिस थोड़ी तय करेगी, ना सरकार तय करेगी। नहीं नहीं अपराधी माफिया वो तय करेगा जो दिन दहाड़े लोगों की हत्या करेगा, जो नहीं सोचता है कि ये जिसकी हम हत्या कर रहे हैं ये भी ये किसी का बाप है, ये किसी का पति है, किसी का बेटा है, जब उसको उसके परिवार की चिंता नहीं है तो हम लोग इनकी चिंता करेंगे? जब उनको सिंपैथी लोगों से नहीं है तो हमें भी कानून तो ये कहता है ना कि दिन दहाड़े अगर कुछ हत्या भी होती है उसके बाद भी कोर्ट में प्रूव करना होता है, मेरे और आपके कहने से कोई हत्यारा नहीं बन जाता।
देखो ये कानून का डर इनके अंदर से समाप्त हो चुका है। इनको कानून का डर होता तो ये शायद कभी इस प्रकार की घटना ही नहीं करते। एक मुकदमा, दो मुकदमा, 40 मुकदमा, 50 मुकदमा, 100 मुकदमा इनके ऊपर लिख जाए, उसके बाद में वो जेलों में बैठे, जेलों में सरकारों का संरक्षण पाकर बिरयानी खाएं और जेल से ही अपने साम्राज्य को चलाते रहें। ऐसे लोग जो कानून को समझते नहीं है, कानून की भाषा नहीं समझते हैं, वो कानून के द्वारा बनाई हुई बंदूक की भाषा समझते हैं। तो कानून ने तो बंदूक भी दिया है ना, तो वो भाषा समझाया जाएगा उनको, समझेंगे वो लोग। सर मैं अंत में आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या थोड़ा जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बंदूक की भाषा ही लोग समझते हैं, तो आपको लगता है कि उससे उत्तर प्रदेश के अंदर जो भय है अपराधियों में वो बढ़ जाएगा? अब चाहे पुलिस को कितनी बेजा शक्ति दे दी जाए इसके ऊपर, क्योंकि कई सारे, अगर आप चाहें तो मैं लिस्ट आपको बताता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस को कई कोर्ट ने कई सारे एनकाउंटर्स ऐसे हैं जिनको फर्जी एनकाउंटर बताया गया है। देखो जहाँ जहाँ के ऊपर गलत होगा हम लोग भी गलत बोलेंगे, जहाँ के ऊपर गलत होगा हम गलत का विरोध करेंगे, और जो कोई भी अधिकारी पुलिस वाला कोई गलत करता है सरकार उसके ऊपर भी कार्रवाई करती है। आपने देखा होगा कानपुर कांड में से कितने जिनके सबके ऊपर FIR हुई है, सबको जेल भेज दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये, लेकिन जो अपराधी जो केवल अपने आतंक स्थापित करने के लिए, आतंक का साम्राज्य स्थापित करने के लिए, जो लोगों को डराने के लिए, जो लोगों की हत्याएं करता है, उस हत्या को एक बिल्कुल सगल बना लेता है। मैंने कोई कितने मुकदमे, 50 मुकदमे, कितनी हत्या, 60 हत्या, 70 हत्या, इस तरीके के लोग जो आदमी को बिल्कुल मुर्गा बकरी मानते हैं उनसे किसी प्रकार की कोई सिंपैथी होनी चाहिए? मैं तो कहता हूं कि आपको भी मेरी बात का समर्थन करना चाहिए। सर कानून की बात हम इस पर रख देते हैं, छोड़ देते हैं कानून पे, क्योंकि देश के अंदर संविधान और कानून से तय होगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, अपनी बात रखी, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था के लिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है उसके बारे में हमें बताया। बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रत पाठक साहब हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार। सुब्रत पाठक साहब से आप सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के MP हैं, कह रहे हैं कि देखिए कानून ने जो बंदूक दी है पुलिस वालों को उसका डर होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों को ये बात ठीक भी लगेगी कि तुरंत कर दीजिए आप न्याय, लेकिन ये समझना भी जरूर होगा कि कहीं ना कहीं ऐसे में अगर इतनी ताकत अधिकारियों को और बंदूक को दी जाएगी तो ये कौन देखेगा कि वो बंदूक बेजा इस्तेमाल ना हो। हमारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या बुलडोजर से ही मिलेगा न्याय, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अनिल शुक्ला वारसी साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हमारे साथ IP सिंह साहब जुड़ रहे हैं, सब प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। डॉक्टर आदिश अग्रवाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। हमारे साथ नदीम खान साहब जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं APCR एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के, ये मेंबर हैं, सचिव हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले IP सिंह साहब आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि अभी आप सुब्रत पाठक साहब को सुन रहे थे, वो कह रहे थे देखिए आपके यानी कि समाजवादी पार्टी के शासन में जिन लोगों को बैठा बैठा कर बड़ा माफिया बनाया गया उनमें भय बैठाने का यही तरीका है, इनसे कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, बुलडोजर भी चलेगा और गोली भी चलेगी। देखिए अंकित जी, एक गुंडा और माफिया की भाषा सुब्रत पाठक बोल रहे थे और बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी के बारे में कहा है। चूंकि वो कन्नौज से चुनाव लड़ने वाले हैं तो बिल्कुल डेस्परेट वाली भाषा, खैर उनके बारे में हम ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री जिस तरह की भाषा आदित्यनाथ जी प्रयोग करते हैं वही भाषा सुब्रत पाठक और BJP के लोग कर रहे हैं। और एक कहावत कही जाती है वो उत्तर प्रदेश में कि संया भय कोतवाल अब डर काहे का, तो देश संविधान से चलता है, देश IPC CRPC से चलता है, लेकिन इनको IPC CRPC से मतलब नहीं रहा। अब मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री के विचारों से वो सहमत नहीं है। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने कानून व्यवस्था का अंतिम संस्कार कर दिया है। अभी आपने भी ये पूछा कि भाई कानपुर में माँ बेटी के ऊपर बुलडोजर चला और अंत में वो जलकर मारे गए, तमाम इनकाउंटर्स हुए, वो फेक इनकाउंटर्स हुए हैं, तमाम पुलिस के लोग सलाखों के पीछे हैं, उसके बावजूद NCRB की रिपोर्ट अभी जो आई है, NCRB की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश ने हत्याओं के मामले में टॉप किया है, UP नंबर 1 हो गया, मुख्यमंत्री जी की बड़ी उपलब्धि है। 2021 में 3721 हत्याओं के मामले दर्ज किए गए हैं। आईपी सिंह साहब, जो आप आंकड़े दे रहे हैं वो आंकड़े तो सर बिल्कुल जायज है, लेकिन क्या ये बात कहीं सच नहीं है
कि अतीक अहमद जैसे जो माफिया हैं या जो डॉन हैं, जो बाहुबली जिन्हें कहा जाता है, और ऐसे कई सारे लोग होंगे समाजवादी पार्टी का, कभी ना कभी इन्हें समर्थन जरूर रहा है, तो तब सीआरपीसी और आईपीसी की याद समाजवादी पार्टी को नहीं आई थी जब इन नेताओं के खिलाफ जेल से चुनाव लड़ लड़के ये विधायक और सांसद बन रहे थे? अंकित जी, आपको याद होगा कि 2018 में अतीक अहमद को जेल से मतलब पेरोल देकर, यही जब उपचुनाव हो रहा था फूलपुर में, तो योगी आदित्यनाथ ने पेरोल देकर इंडिपेंडेंट लड़वाया जिससे कि अतीक अहमद वोट काट सके। और बीजेपी ये बार बार आदित्यनाथ सरकार और मुख्यमंत्री भूल जाते हैं कि बीजेपी में चार चार मुख्यमंत्री हुए हैं। इससे पहले स्वर्गीय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद स्वर्गीय राम प्रकाश गुप्त रहे, श्री राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहे, मायावती जी मुख्यमंत्री रही। तो ये माफिया और गुंडे जिनकी बात कहती वो बसपा से दो बार सांसद रहे, हाँ हमारे दल से भी वो सांसद रहे। शुक्ला साहब, आपको याद दिलाता हूँ कि एक मिनट और, माननीय प्रधानमंत्री जी जब चुनाव लड़ रहे थे बनारस से, तो मुख्तार अंसारी को विशेष तौर से बुलाकर बनारस से चुनाव लड़ाया गया जिससे कि वोट का डिवीजन हो। सर वो तो सब अपराधियों से दूर रही, एक बात और, ऐसी सर इसका कोई तथ्य तो है नहीं, ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कोई भी बना सकता है, इसका कोई तथ्य तो नहीं है। लेकिन अनिल शुक्ला वारसी साहब, बुलडोजर से ही न्याय लोगों को आप दे देंगे क्या? मतलब कोई इंतजार नहीं, कानूनी प्रक्रिया का कोई इंतजार नहीं, कोर्ट बार बार कह चुके हैं कि बेजा तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति के घर पे आज बुलडोजर चल रहा है, उसका नाम अपने एफआईआर में भी नहीं डाला लेकिन उसका घर तोड़ दिया, तो कानून का कोई इंतजार नहीं, अदालत का कोई इंतजार नहीं, सब कुछ पुलिस ही कर लेगी, सब कुछ योगी आदित्यनाथ जी कर लेंगे। देखिए बुलडोजर तो सही बात है कि वो मिट्टी खोदने का यंत्र है, लेकिन कुछ कोर्ट के आदेशों पे उसका इस्तेमाल किया गया। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकारों का दौर रहा, हमारे समाजवादी पार्टी के साथी बैठे हैं यहाँ पे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 2007 में सरकार क्यों गई थी माननीय मुलायम सिंह जी की? तब एक ही नारा दिया गया था, चढ़ गुंडों के छाती पे और बटन दबाओ हाथी पे। इसके बाद इनकी सरकार गई, मायावती जी से काफी लोगों को उम्मीद थी, उन्होंने कहा था कि जैसे मेरी सरकार बनेगी मैं माननीय मुलायम सिंह जी को जेल भेजूंगी, लेकिन वो भी कंट्रोल नहीं कर पाई। बाद में उनके खिलाफ भी नारा लगा कि गुंडे चढ़ गए हाथी पे और गोली मारे छाती पे, वो भी फेल हुई। इसके बाद फिर लोगों ने अखिलेश के ऊपर विश्वास किया कि नौजवान लड़का है, विदेश से पढ़ के आया है, जो वर्तमान हालात उनको समझता है तो ये कुछ न कुछ अच्छा करेगा। सब लोगों ने उनको समर्थन दिया, 2012 में उनकी सरकार बना दी। लेकिन 2012 में सरकार बनने के बाद फिर सारी चीजें उसी तरह चलती रही, उसका नतीजा क्या हुआ? 212 से केवल 45 सीट पे आ गए। सर इस इतिहास में ये समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने चुन लिया, पर क्या भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए चुना गया था कि कानून क्या कोई भी अदालत का इंतजार न करें और जिस पे चाहे जब चाहे बुलडोजर चला दे? उसी पे मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, बस एक आधा मिनट टाइम और दे दीजिए। तो मैं ये बता रहा हूँ, फिर 17 में सरकार कानून व्यवस्था के नाम पे गई और लोगों ने बीजेपी को समर्थन दिया और बीजेपी सत्ता में आई। हमने बड़े मात्रा पे जो ये आताताई थे, जो समाज में डर और भय का वातावरण पैदा करना चाहते थे, हमने इन लोगों को बड़े पैमाने पर ध्वस्त करने का काम किया और उसका नतीजा हुआ कि हम दोबारा फिर से सरकार में आए। सर पूछना, आपने बहुत बढ़िया काम किया होगा, आपको ऐसा लगता है कानून व्यवस्था पे? एनसीआरबी का जो आंकड़ा है वो कुछ और कहानी भी बताता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या लोगों में कानून का राज, सरकार का राज तय करने के लिए, बैठाने के लिए, क्या कानून की धज्जियां उड़ाकर ही वो करा जा सकता है? मैं जो एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है मैं आपको बताता हूँ, आज के डेट पे अपराध में उत्तर प्रदेश 23वें नंबर पे है, ऊपर से मतलब हमसे ज्यादा 22 लोग ऊपर हैं। बच्चों के विरुद्ध अपराधों में हम कह रहे हम 28वां स्थान है, ठीक है। और सांप्रदायिक हिंसा में केवल एक मामला दर्ज किया गया है, ठीक है। और यूपी में हत्या में क्राइम में 1.6% है, ठीक है। आपसे कहना चाहता हूँ, नहीं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो किया जा रहा है भय बैठाने के लिए बिल्कुल ठीक है, इन्हीं तरह से उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया जा रहा है, लेकिन
डॉक्टर आदिश अग्रवाला, मैं आपसे ये बात समझना चाहता हूँ, क्या कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने ऐसे कई सारे केसेस देखे इससे पहले, एक्टिविस्ट हैं जिन लोगों ने, चाहे एनआरसी हो, सीए हो, जब उससे प्रोटेस्ट चल रहे थे उनके घरों पर भी बुलडोजर चलाए गए, तो क्या ये सरकार जो किसी भी तरीके का एक कानून व्यवस्था, एक जो तरीका होता है उसके न्याय संगत, तर्क संगत कार्रवाई कर रही है, या फिर कोर्ट के अंदर कम से कम, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज किया जा सकता है कि बिल्कुल शक की बिना पर ही आप किसी का घर तोड़े जा रहे हैं? देखिए, जो आम आज आप टेलीविजन पे भी और आम पब्लिक में जो ये बात फैलाई जा रही है कि ये बुलडोजर किसी ने क्राइम किया है इसलिए उसका घर दुकान को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, ये बात असलियत में नहीं है। रिकॉर्ड पर जो बात होती है कि जो मकान अनऑथराइज बना हुआ है, जो कोई जमीन, मकान या दुकान या फैक्ट्री सरकारी जमीन पर या और किसी की जमीन पर बनी हुई है, उसको तोड़ा जाता है। और उसके लिए जो लोकल अथॉरिटीज होती है, जो म्यूनिसिपल, जहां कोई म्यूनिसिपल अथॉरिटी होती है या डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, वो ज्यादातर हिंदुस्तान में घर मकान अनऑथराइज कुछ ना कुछ बने होते हैं। सरकार जो आज जो ये बुलडोजर चला रही है, वो जो मकान दुकान अनऑथराइज बने हुए हैं उनका तोड़ रही है। तो जिन्होंने क्राइम तो करा है, सरकार जो है वो कह रही है कि क्राइम करने वालों का तोड़ रही है, तोड़ा जा रहा है, तो क्या ये कहीं ना कहीं कुछ सिलेक्टिव कार्रवाई आपको लगती है? अगर इस घर की जिसकी बात हम अभी कर रहे हैं, जहां प्रयागराज में बुलडोजर चल रहा है, बंदूकें मिल रही हैं, तलवारें मिल रही हैं, सरकार कह रही है अनऑथराइज्ड है और साथ ही साथ हथियारों का साथ देने वाले हैं, तो उसमें आपको लगता है, उसमें क्या आपको कोई शंका लगती है, संदेह लगता है कि सरकार को ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? देखिए, जो भी ये कार्रवाइयां हो रही हैं, इनमें कानून का कहीं कोई रोल नहीं है, रूल ऑफ द लॉ का कहीं कोई रोल नहीं है। अगर सिर्फ बुलडोजर से ही कार्रवाई होती तो सबसे पहले बुलडोजर जो है वो न्यायालयों पर चलना चाहिए, फिर उनकी कोई जरूरत नहीं। हमने इससे पहले भी इलाहाबाद में जावेद मोहम्मद के घर पे कार्रवाई देखी थी, आफरीन फातिमा के पिता के घर को तोड़ा गया था। आफरीन फातिमा के फादर के ऊपर जो दो एफआईआर हुई, उनमें उनको जो बेल मिली है, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा गया है कि उनके इन मामलों पर कोई उनका रोल नहीं था। जबकि हमने ये भी देखा कि जावेद मोहम्मद का जो घर इलाहाबाद में इससे पहले कार्रवाई में तोड़ा गया था, वो घर उनकी माँ परवीन फातिमा के नाम था। इलाहाबाद विकास प्राधिकरण ने नोटिस दिया जावेद मोहम्मद को, मकान तोड़ दिया परवीन फातिमा का। तो ये इस बात से ये बिल्कुल साफ साबित होता है कि ये कार्रवाइयां बदले की कार्रवाइयां हैं, और इसमें अगर ये कहा जा रहा है कि इन बुलडोजर के चलने से न्याय व्यवस्था सुधरती है, तो हमारे जो बीजेपी के साथी बैठे हुए हैं उनको एनसीआरबी का डेटा देख लेना चाहिए। जितना बुलडोजर चल रहा है उतना ही जो अपराधी हैं वो दुर्दांत घूम रहे हैं। और जहां तक कोर्ट का सवाल है, पटना हाई कोर्ट और गुवाहाटी हाई कोर्ट ने साफ साफ ये बात अपने ऑब्जर्वेशंस में लेटेस्ट कही है, जहां पर ये बुलडोजर की पिटीशंस गई हैं, कि इसका मतलब ये है कि आप न्यायालय को बंद करके पूरी व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। और इससे पहले जो भाजपा के सांसद जी बोल रहे थे कि वो डिसाइड करेंगे, तो इसका मतलब ये देश में एक संवैधानिक संकट है जिसमें आप एग्जीक्यूटिव बॉडी या पुलिस ही डिसाइड कर देगी कि कौन कार्रवाई करता है, और जो मुकदमे उनपे लगे हैं वो गलत हैं। नदीम खान साहब जो बात कह रहे हैं वो बात बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं, और ये कहीं आज लग रहा है कि पुलिस को और प्रशासन को इतनी छूट मिल गई है कि वो बुलडोजर चलाएं, वो अपनी मर्जी से भी फिर बुलडोजर चलाएंगे, फिर जैसे लोग जल रहे हैं वैसी घटनाएं भी होंगी। लेकिन आईपी सिंह साहब, कहीं ना कहीं जनता ये भी मानती है कि अगर इस तरीके का कोई अपराधी है, हथियार उसके घर से बरामद हो रहे हैं, तलवारें उसके घर से निकल रही हैं, तो सरकार अगर उस पर कठोर कार्रवाई ना करे तो फिर क्या करे? अंकित जी, उत्तर प्रदेश पुलिस अगर एफआईआर दर्ज करती है सरकार की सारे पर, तो आपके घर में तोप मिल जाएगी, असलहे तो छोड़ दीजिए। ये वही सरकार है जो 6 वर्षों से है, 9 वर्ष केंद्र में हो गया, और ये कहती आ रही है कि अपराधी पत्थर कांपते हैं, अपराधी गले में पट्टा डाल के आ रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब हमें थाने पर सरेंडर करें कि हमें माफ कर दीजिए। गुंडे और अपराधी उत्तर प्रदेश की सीमाएं छोड़ के चले गए हैं। तो उन्नाव में रेप करने वाले कौन लोग थे? कुलदीप सेंगर, जो प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो है, मुख्यमंत्री जी के साथ है, कुलदीप सेंगर कौन थे? स्वामी चिन्मयानंद कौन थे जी? आप देखिए, ये अपराध का ग्राफ लगातार एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है। सर, लेकिन आप क्या अतीक अहमद और उनके साथियों पर जो कार्रवाई है उसका विरोध कर रहे हैं?
नहीं नहीं मैं किसी देखिए अपराधी के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर मुख्यमंत्री जी पिछले छह वर्षों से क्या कर रहे थे? कार्रवाई न्यायालय करेगा। बात बिल्कुल सही है। और ये जो कुछ काम है आईपीसी सीआरपीसी के तहत कार्रवाई तो न्यायालय के आदेश पे होगी ना, और अगर इतनी तालिबानी शासन है और इसको क्या कहेंगे और घर टूटने की ऐसी बात है, तो क्या अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने लखीमपुर में टेनी साहब का घर जांच कराया क्या? उसमें कोई लीगैलिटी तो नहीं है? उसकी बाउंड्री कोई बाहर पड़ी हुई है, उस पे बुलडोजर चलाने की आवश्यकता पड़ जाए? देखिए चलिए हम मानते हैं कि आप लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर का इस्तेमाल एक वज्र के रूप में हो रहा है, इसके बाद भी जो अपराधी इतना दुर्दांत है कि बिना आपने देखा जो घटना हुई है इलाहाबाद में प्रयागराज में, बिना मुंह को ढके हुए खुलेआम उन लोगों ने घटना की है और उनको पता है कि सब जगह आजकल सीसी कैमरे। सर अपराधी कितना भी दुर्दांत हो वो तो कोर्ट को तय करना है ना, कोर्ट फांसी चलाएगा। मैं और आप थोड़ी तय कर देंगे कि इसको भी फांसी दे देनी चाहिए। इतनी शक्ति के बावजूद भी आप देखो ना, बीजेपी की अदालत है, आप हिम्मत देखो ना, सुप्रीम कोर्ट पर माननीय हाई पुलिस फोर्स के रहते हुए मैं आप सभी पुलिस के सवाल का निशान, क्योंकि हम सब इकट्ठे हो रहे हैं तो शायद हमारी बात जो है वो दर्शकों तक पहुंच नहीं पाएगी और समय मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। देखिए कुल मिलाकर एक बड़ी सीधी सी बात है, अपराधियों में भय होना चाहिए, खौफ होना चाहिए, अपराध कम होना चाहिए, पर उसका तरीका क्या है कि क्या पुलिस को प्रशासन को ही अपराधी बना दिया जाए कि उनको इतनी ताकत दे दी जाए कि वो कानून को बिना सोचे समझे जैसा उनका मन करे वैसा करें? और अपराधी अगर इतने खुले तौर पर इस तरह की हरकतें करेंगे तो उन पर लगाम कसने का क्या तरीका है? इसकी बात जरूर सोचनी पड़ेगी और यही इस पूरे मामले का कुल मिलाकर अगर आप समझें तो कुल मिलाकर इसकी जो है वो बॉटम लाइन जिसको कहते हैं वो बन जाती है। एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, दिल्ली में आग लगने के बाद एक इमारत जो है वो गिर गई है। जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट की जो इमारत है उसमें आग लग गई थी और आग लगने के बाद जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट की इमारत जो है वो गिर गई। सुबह वहां पर आग लगी थी। दिल्ली के रोशनारा इलाके की ये घटना है जहां पर भीषण आग के बाद ये इमारत जो है वो बिल्कुल ध्वस्त हो गई। बहुत ही डराने वाली ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने आ रही हैं। इस सुबह से आग लगी हुई थी और इतने ज़बरदस्त तरीके से ये देखिए आग लगी थी कि पूरा जो इमारत है वो भी बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह ढह गई है, गिर गई है। ज़्यादा जानकारी इस पर लेंगे और कोशिश करेंगे समझने की कि क्या इसमें कोई हताहत हुआ है या लोगों की जान बच पाई है। मुकेश क्या हालात हैं, कोई अंदर फंसा तो नहीं हुआ था जब ये इमारत नीचे गिरी है? देखिए अभी तक के हिसाब से कोई भी इमारत में फंसा हुआ नहीं था और किसी के भी घायल होने की सूचना नहीं है। दरअसल आज सुबह करीब 11:50 पर जो दिल्ली फायर डिपार्टमेंट है उसको आग लगने की जानकारी मिली। ये बिल्डिंग रोशनारा रोड पर है और वहां पर एक फैक्ट्री है और जब फायर डिपार्टमेंट के लोग पहुंचे तो बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी हुई थी। इसके बाद सबसे पहले 14 फायर टेंडर्स वहां पर पहुंचे, साथ में लोकल पुलिस थी और जो दमकल कर्मी थे उन्होंने आग बुझाने का काम शुरू किया। लेकिन देखते ही देखते जो आग थी वो ग्राउंड फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पूरी बिल्डिंग को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। उसके बाद 14 से 18 फायर टेंडर किए गए और सबसे लगातार दमकल कर्मी आग बुझाने में लगे हुए थे। आग लगभग काबू भी आ गई थी लेकिन दमकल कर्मियों को लगा बीच में कि ये बिल्डिंग काफी पुरानी है और इसमें पानी की बौछार, क्योंकि आग बुझाने के दौरान जो पानी की बौछार है वो काफी ज्यादा हो गई है और उनको लगा कि शायद ये बिल्डिंग गिर सकती है, तो सभी दमकल कर्मी उस बिल्डिंग के बाहर पहले ही आ गए थे और इसके बाद बिल्डिंग अचानक पूरी बिल्डिंग जो है वो एकदम से भड़भड़ा के नीचे गिर गई है और मलबा काफी दूर दूर तक फैल गया है। हालांकि आसपास की इमारतों को नुकसान नहीं हुआ है लेकिन निश्चित तौर पर अपने आप में एक बड़ा हादसा हुआ है। राहत की बात अभी तक यही है कि इसमें कोई घायल नहीं हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और सब जानकारी हमें देने के लिए। बड़ी राहत की बात है कि कोई इसमें हताहत नहीं हुआ है, घायल नहीं हुआ है, पर ये बड़े डरावने विजुअल्स हैं किस तरीके से ये बिल्डिंग बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह ढह गई। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक लेने वापस आ रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी। अब
बात करते हैं दिल्ली के राजनीतिक बवाल की, जहां पर दो मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद उनके विभागों का बंटवारा तो कर दिया गया, लेकिन जल्द ही दिल्ली की कैबिनेट में दो नए चेहरों की एंट्री होने वाली है। केजरीवाल, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने नए मंत्रियों के नाम जो हैं वो फाइनल कर दिए हैं, उसकी फाइल जो है वो एलजी को भेज भी दी है। आतिशी जो कि कालकाजी से एमएलए हैं और सौरभ भारद्वाज जीके से 3 बार के एमएलए हैं, उनको मंत्री बनाया जा रहा है। आपको बता दें सौरभ भारद्वाज दिल्ली में केजरीवाल की पहली सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रह चुके हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायकों की एक अहम बैठक भी अभी शुरू हो गई है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार में दो नए चेहरे, दो नए मंत्री शामिल होने जा रहे हैं। पहला नाम है सौरभ भारद्वाज का। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के इस समय मुख्य प्रवक्ता हैं। सौरभ भारद्वाज पहले भी, जब पहली बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे तो अरविंद केजरीवाल ने उस कैबिनेट में भी सौरभ भारद्वाज को मंत्री बनाया था। जो 49 दिन की सरकार थी 2013 में जो बनी थी, तो उसमें मंत्री बनाया था। उसके बाद अभी इस समय पर सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता तो हैं ही, साथ में दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं। पार्टी ये मानती है, पार्टी के सोर्सेज का ये कहना है कि सौरभ भारद्वाज ने पिछले कुछ समय में अपना टैलेंट प्रूव करके दिखाया है। जो भी काम उनको दिया गया उन्होंने वो बखूबी निभाया। खासतौर से मीडिया को किस तरह से फेस करना है, मुश्किल समय में कैसे मीडिया के सामने जाना है, कैसे अपनी बात अच्छे तरीके से और कम से कम समय में कन्वे करनी है, ये सौरभ भारद्वाज ने बहुत अच्छे से करके दिखाया। इसका ही जो है इनाम सौरभ भारद्वाज को मिला है। और खास बात ये भी है कि अरविंद केजरीवाल के काफ़ी करीबी भी ये माने जाते हैं। दूसरा नाम है आतिशी का। आतिशी कालकाजी से आम आदमी पार्टी की विधायक हैं, दिल्ली के कालकाजी से आम आदमी पार्टी की विधायक हैं, और मनीष सिसोदिया के साथ उन्होंने एक सलाहकार के तौर पर शिक्षा विभाग में काफ़ी काम किया है और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता तो हैं ही और युवा चेहरा हैं। तो ये पार्टी जो सूत्र हैं उनका ये कहना है कि शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी काम किया है और पार्टी इनका टैलेंट भी जो है वो उपयोग करना चाहती है। तो ये दो चेहरे, ये दो युवा चेहरे सौरभ भारद्वाज और आतिशी, इन दोनों को अरविंद केजरीवाल अपने कैबिनेट में जगह देने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इनके नाम की सिफारिश वाली जो फाइल है अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को भेज दी है। अभी नियुक्ति में थोड़ा सा समय इसलिए लग सकता है क्योंकि टेक्निकल चीज़ है कि जो पहले के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, इनके इस्तीफे की फाइल उपराज्यपाल ने मंजूर करके राष्ट्रपति के पास भेज दी है। वो फाइल आएगी, फिर नए जो मंत्री हैं उनकी फाइल जाएगी, वो अप्रूव होकर आएगी, तब ये मंत्री नियुक्त होंगे। लेकिन ये साफ है कि इनके नाम की सिफारिश सौरभ भारद्वाज और आतिश के नाम की सिफारिश अरविंद केजरीवाल ने कर दी है। और युवा चेहरे हैं, ये खास बात इसमें ध्यान रखने वाली है कि बिल्कुल युवा चेहरों को अरविंद केजरीवाल ने जगह देने की सोची है। चलिए अब बात करते हैं दिल्ली से ही जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रोटेस्ट की, उनके प्रदर्शन की। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद अब भारतीय जनता पार्टी सीधे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही है। बीजेपी का कहना है कि तमाम घोटालों के असली सरगना मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज दिल्ली में अलग अलग जगहों पर जन जागरण प्रदर्शन किया। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष विजेंद्र सचदेवा समेत कई सांसद भी अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करते नजर आए। से पहले महंगाई का झटका आम आदमी पर लगा है। घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतें एक बार फिर बढ़ गई हैं। 14.2 किलोग्राम का जो घरेलू सिलेंडर है उसकी कीमत अब 50 रुपए बढ़ गई है और 19 किलो का जो कमर्शियल सिलेंडर होता है उसे 350 रुपए 50 पैसे उसमें वृद्धि कर दी गई है।
अब दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर जो है वो 1103 रुपए का मिलेगा, वहीं दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर जो है वो 2119 रुपए 50 पैसे का मिलेगा। पिछले कुछ साल में एलपीजी के दामों में काफी तेजी से वृद्धि हुई है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से लेकर जुलाई 2022 तक जुलाई 2022 तक एलपीजी की कीमतों में 58 बार बदलाव किया गया है।